मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स जो मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मेरे एक व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर, जिन्होंने मेरे को कमेंट में बोला कि मैम हमको बताओ कि हमारी शादी कब होगी। तो चलिए आज उन्होंने जो हमसे पूछा है उनको उनका आंसर देते हैं कि उनकी शादी कब होगी और एंजल्स क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स उनको देना चाहते हैं। लेकिन मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बोलूंगी, मैसेज जो भी आए, यूनिवर्स आपको जो भी आंसर करे, आपने अगर कुछ भी आता है, नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव आता है, कुछ भी आता है, ठीक है, लेकिन आपने अपने दिल पे बात नहीं लेनी, ठीक है। मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करने से पहले इतना जरूर बोलना चाहूंगी। तो चलिए देखते हैं, तब तक आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ठीक है। तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज मेरे को बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि उनकी शादी उनके पार्टनर से कब होगी, प्लीज मेरे को करेक्ट आंसर दीजिए। प्लीज यूनिवर्स मेरे को बताइए कि उनकी शादी कब होगी। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा है कि हमारी शादी कब होगी, प्लीज़ मेरे को करेक्ट आंसर दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मेरे को गाइड कीजिए कि उनकी शादी कब होगी, क्या उनकी शादी होगी। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे को बताइए क्या उनकी शादी होगी। कार्ड नंबर वन। तब तक आप अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए अपने मन में। यूएस प्लीज मेरे को बताइए। कार्ड नंबर टू। ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, फायर रीडिंग नहीं है। देखते हैं कि आपकी आपके पार्टनर के साथ शादी होगी। हम चार कार्ड लेंगे फिर देखते हैं। आप प्रेयर कीजिए कि आंसर यूनिवर्स आपको, बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मेरे को करेक्ट आंसर दीजिए, बताइए। देखिए मैं ना जो कार्ड में दिख रहा है मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है। मैं मतलब कोई भी शुगर कोट करके अपने मन से कोई भी बात नहीं बताऊंगी। जो भी यूनिवर्स ने, एंजल्स ने मेरे को आपके लिए मैसेज दिया है डिलीवर करने के लिए, तो मैं वही मैसेज डिलीवर करूंगी आपको, ठीक है। तो जहां तक मुझे लग रहा है ना, अभी आपकी शादी में बहुत ऑब्स्टेकल है, बहुत अड़चने हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है आप दोनों में कोई कास्ट इशू है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों में कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों की शादी होने नहीं दे रहा, या तो आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से है। कोई ऐसा बंदा ज़रूर है जो आप दोनों की शादी के लिए मतलब सहमत नहीं है, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको बता दूँ, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए, इतना मैं आपको बता रही हूँ कि आप दोनों की शादी होगी, ये तो कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि दी विक्ट्री का कार्ड आया। आने वाले टाइम में आप दोनों की शादी जरूर होगी, टाइम लगेगा, लेकिन अभी क्योंकि दी मून की एनर्जी आई है, ठीक है, और स्टक एनर्जी आई है, और कोई एक लेडी है, लेडी नहीं मैं बोलती, मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर मतलब क्वीन का कार्ड आया तो लेडी ही हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों की शादी के लिए मतलब अड़चन डाल रहा है अपनी शादी में, या तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से है, या उनके जो पार्टनर है उनकी तरफ से है। कोई है ऐसा बंदा जो आप दोनों की शादी नहीं होनी, जहाँ कोई बाहर का कोई ऐसा बंदा है जो आप दोनों के घर में मतलब क्लेश डाल रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों की शादी होने नहीं दे रहा और वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, द डेविल आया है। डेविल का मतलब है काली नज़र, किसी की नज़र है आप दोनों के रिलेशनशिप पे, जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप पे कोई काला जादू किसी ने किया हो, या कोई टूना टोटका किया हो, जिसकी वजह से आपका मतलब रिलेशन आगे नहीं बढ़ रहा, मतलब शादी की स्टेज पे नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसा बंदा है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने आप दोनों मतलब
कहने का मतलब आप दोनों पे कोई मतलब कोई काला जादू या कोई टूना टोटका किया है, कुछ ना कुछ तो किया ताकि आप दोनों की शादी ना हो सके, आप दोनों में अड़चन डाल रहा है कोई ऐसा इंसान है, मेरे को ये दिखाई दे रहा है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक का है, मेरे को कोई ऐसा बंदा दिखाई दे रहा है, या तो ये आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है। ठीक है, ये रीडिंग दोनों के लिए है मेरे व्यूअर्स, लड़का लड़की दोनों के लिए ये रीडिंग है, क्योंकि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, ये रीडिंग दोनों देख सकते हैं, लड़का भी और लड़की भी, वो आप खुद डिसाइड कर लो कि आपके सामने वाला पार्टनर लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो अभी तो मेरे को यही मतलब दिख रहा है कि अड़चने हैं अभी तो आपकी शादी में। जिन्होंने भी ये सवाल पूछा, आपका आंसर ये है कि अभी ये नहीं कि आपकी शादी होगी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आया है। ठीक है, विक्ट्री का कार्ड मतलब होता है सक्सेस, आप दोनों की रिलेशनशिप में सक्सेस तो ज़रूर होगी लेकिन अड़चने, और आपको भी पता है अगर आप वाकई सच्चा प्यार करते हो तो हर सच्चे प्यार में अड़चने तो आती ही आती हैं। ठीक है, या तो घर वालों की तरफ से, या कास्ट की तरफ से, या बाहर के लोग इतना मतलब भड़काते हैं कि, और दूसरा आपको भी पता है कि आजकल की दुनिया में कोई किसी को खुश तो देख ही नहीं सकता, हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा है कि दूसरे लोग जलते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप पे। ठीक है, तो इसीलिए मेरा अभी का जो आपने मेरे से सवाल पूछा था उसका आंसर ये है कि अभी ऑब्स्टेकल है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप होप मत हारिए, प्लीज़ होप हारने की ज़रूरत नहीं है, होप रखिए, यूनिवर्स पे होप रखिए, गॉड पे होप रखिए। अगर आपको लगता है कि आपका प्यार सच्चा है, आप दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल हो, तो आपका रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, इतना याद रखना। ठीक है, तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल एना स्टारवर्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।